तो गाई जी मैंने थोड़ा सा डाला है देसी घी। मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। ये लहसुन है, लहसुन को मैंने ना ये रात को भिगो दिया था, क्यों गर्मी है ना, भिगो के खाएं तो ठीक रहता है, इसकी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, क्यों लहसुन गर्म होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने डाल लिया देसी घी। तो इसका क्या करूँगी, साबुती, इसे काटना नहीं है आपने, ये साबुती आपने इसमें देसी घी में डाल देना है और डाल के हम इसे हिलाएंगे। और इसके इतने फ़ायदे हैं ना, इतने फ़ायदे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। आपको कोलेस्ट्रोल है, आपको हाथ में कोई भी दिक्कत है, आपको मोटापा है और आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, वायबादी की आपको शिकायत है, जैसे कभी कहीं दर्द होता रहता है, तो डेली आप क्या करें, 4-5 कलियाँ डेली खाएँ इस तरह से भून के। ये मैंने ज़्यादा क्यों लिया, ये मैं सबको दूँगी घर में, 4-4, 5-5 कलियाँ ना खाने के साथ खा लें, आपसे रूखा नहीं खाया जाता। वैसे तो कहते हैं इसे अच्छी तरह से क्रिस्प करके रूखा खाएं इसको, तो रूखा नहीं खाया जाएगा। तो हम खाने के साथ जैसे खाना एक बाइट लेंगे ना, उसमें एक वो बाइट ले लें लहसुन की कली ले लें और आप इसे खाएं, और आप देखना एक महीने तक कम से कम डेली करना, फिर देखना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी टेस्ट के लिए नमक, बस और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक नमक। बस इसे कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई, इस तरह से हिलाते रहेंगे हम और ये जल्दी ही क्रिस्प हो जाता है। सिम गैस पे करेंगे, एकदम ये नहीं है कि ऊपर से कलर आ जाए, गैस को तेज नहीं करना आपने। और इसे हम कर लेंगे बस फ्राई और करेंगे इसे खाने के साथ इंजॉय। और आप एक महीने तक लगातार खाएं इसे, तो बस होने वाला है। मैं बंद नहीं कर रही वीडियो को, आपको इस तरह से ही दिखाती हूँ। तो गाइस बस इतना ही करना, ज़्यादा हमने क्रिस्प नहीं करना, बस इतना ही करना। और डेली आपने 5 कलियाँ कम से कम डेली खानी है इस तरह से, ये 5 कलियाँ। तो बस फिर देखना आप इसके फायदे। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ चाय का मसाला। चाय में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सब अलग अलग सामान डालने से अच्छा हम क्यों ना इसे सारा इकट्ठा पीस के ही क्यों ना रख लें। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लिए। ये मैंने ले लिए छोटी इलायची, और ये लिए लौंग। और आजकल गला वगैरह जैसे बहुत ख़राब होता है, मौसम चेंज होने जा रहा है, जैसे कभी बारिश कभी धूप, तो इस तरह लौंग वाली चाय पियो बहुत अच्छी होती है। ये है दालचीनी, दालचीनी के तो जितने हम फायदे बताएं आपको उतने ही कम है, बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए, तो सबसे अच्छी होती है ये। और ये तो आपको वैसे भी अलग भी इसका पाउडर बना के आप दूध में चाय में इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी होती है दालचीनी। ये है बड़ी इलायची, ये भी वायबादी के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिर्च, ये भी गले के लिए बहुत अच्छी, आँखों के लिए भी बहुत अच्छी है। और ये इधर है सौंफ, सौंफ भी आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और अपना खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इधर ले लिया है सौंठ का मैंने ये पाउडर, तो मेरे पास पाउडर था तो मैंने ये पाउडर ले लिया। अगर साबुत है तो साबुत भी आप ले सकते हैं। इधर मैंने रख दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए, क्योंकि आपको पता है बारिशों का मौसम है, हर एक चीज़ में सीलन आई हुई है, तो इसे थोड़ा सा ना हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये सारा मैं डाल देती हूँ इसमें। ड्राई रोस्ट करने से एक तो मिक्सी में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अच्छे से पिस जाएगा, और एक इसकी सीलन है वो दूर हो जाएगी। इसे सिम गैस पे मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट, कढ़ाई हमारी गर्म है, इसे मैं कर लेती हूँ ड्राई रोस्ट। फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे पीसूँगी। सौंफ को हम बिल्कुल जब गैस बंद कर देंगे ना फिर सौंफ डालेंगे। सौंफ को मैं बिल्कुल बाद में डालूंगी गैस बंद, सौंफ को ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। तो पाउडर भी उसी टाइम मिक्सी में ही जब पीसेंगे जब भी डाल देंगे, और इसको मैं भून लेती हूँ। तो गाइस 2-4 मिनट मैंने इसे भून लिया है, और गैस बंद करने के बाद मैंने सौंफ भी डाल दी थी। तो बस कढ़ाई अच्छी भारी है ना, तो मैंने गैस से बंद कर दी है, तो सौंफ इसी में ही हो जाएंगे रोस्ट, इसकी नमी निकल जाएगी। बस इसे होने देते हैं ठंडा, फिर मैं इसे पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर एक जार में डाल के रख देंगे, और फिर जब चाय बनाएंगे उसमें अपना डालेंगे। तो गाइज मसाला हमारा पीस गया है, मैं दोपहर को पीस ही रही थी तो फ़ोन की बैटरी गई उड़, तो फिर आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बस अब शाम का टाइम है, तो इसे ठंडा भी हो गया, मैं डब्बी में डालने लगी थी, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। एकदम बढ़िया सा पाउडर मैंने बना लिया है, और शाम का टाइम है तो चाय का टाइम भी हो गया, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और इसमें ये डाल देती हूँ थोड़ा सा ये अपना चाय का मसाला, और इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और मैंने कहा चलो गाई जी को दिखा देती हूँ, चाय तो बन ही रही है। तो मेरा पोपट हो गया था, मैं बोल ही रही थी, तो बैटरी, क्योंकि ये फ़ोन ना हमारा सिर्फ वीडियो वीडियो के लिए है, तो पता ही नहीं चलता फ़ोन को यूज करें ना, तो
पता लग जाता है बैटरी है नहीं है। बस जब वीडियो बनानी होती है जब उठाते के ले आते हैं बस, फिर आज बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो अभी इसे डाल देते हैं हम डब्बी में। आपका जार है ना बिल्कुल साफ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसाला ख़राब ना हो जाए, क्यों बारिशों का सीजन शुरू हो गया है। अगर ज़रा सा भाई आपका ये जार गीला हुआ तो फिर मसाला आपका सील पकड़ जाएगा और हो जाएगा ख़राब, तो ये हम करना नहीं चाहते। तो बस डाल देती हूँ इसे मैं डब्बी में और पी लेती हूँ चाय। इधर चाय भी बस बनने वाली, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। और आज शाम को मैं बनाऊंगी करेले सब्जी, तो मैंने सुबह वैसे बना दी थी, रखी भी हुई है। तो ये करेले मैंने पानी में भिगो दिए थे, मैं इनको ना छीलती नहीं हूँ, इस तरह से वॉश करके इन्हें बारीक बारीक काट दूंगी। मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, नहीं डाली तो आप देख लेना मैं कैसे बनाती हूँ। तो इन्हें बारीक बारीक काट के करूँगी मैं फ्राई। तो बस यही था अभी तक की अपडेट। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। ये गार्लिक मैंने ले लिया है छील के से, और अपना इसे हम कूट लेते हैं अच्छे से। अगर आप इस तरह से कूटना नहीं चाहते थे, इस तरह से आपके पास इस तरह का कोई ग्रेटर होगा तो इससे आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करे वैसे कर ले, मैं इस तरह से इसको कूट लेती हूँ। गाइस गार्लिक मैंने कूट लिया अच्छे से, अब क्या करेंगे, अब डालेंगे इसमें बटर। गार्लिक बटर ब्रेड बना रही हूँ ना मैं, तो इसलिए ये ले लिया है मैंने बटर। खूब सारा डालेंगे इसमें बटर, और डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले। ये है लाल मिर्ची, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो ना तो फ्लेक्स डाल दें, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इस तरह से ये डाल लेती हूँ पाउडर। और नमक डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ना इसमें बटर में भी नमक होता है, अमूल के बटर में नमक बहुत होता है। और डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। तो बस इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और बनाते हैं गार्लिक ब्रेड। तो गाइस अच्छे से मिक्स कर लिए, अब लगा लेते हैं बटर के ऊपर ये सब। तो इस तरह से अच्छे से लगा लें आप इसे, बहुत अच्छा लगता है शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय करें, हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत अच्छा है ये, टेस्टी भी बहुत लगता है गार्लिक ब्रेड। तो ये अच्छे से मैंने लगा लिया। इधर पैन हमारा गर्म है तो इस तरह से अभी रख देते हैं, पहले इधर से सेकते हैं, फिर इसको इस तरफ से पलट के फिर हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। इस दोनों तरफ से मैंने बटर लगा दिया, थोड़ा सा इसे हम सेक लेते हैं और बस फिर ये बन गया हमारा गार्लिक ब्रेड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस दोनों तरफ से मैंने सेक लिया है ब्रेड को, अब इसको काट लेते हैं इस तरह से, और करें इसे सॉस के साथ, केचप के साथ इंजॉय, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको भी काट लेते हैं, शेप आप अपनी मर्जी से, जिस तरह मर्जी आप इसे काट सकते हैं। तो गाइस पहले मैंने काट लिया, अंदर दे दिया है, खा रहे हैं, और ये और रख दिए। मैं अब की बार दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ, मैंने डबल करके ब्रेड ले लिया, अंदर लगा लिया इसमें गार्लिक बटर और अपना, अब इसे मैंने डबल कर दिया है। और इस तरह से बनाते हैं, अब मैं इसे पलट देती हूँ अच्छे से क्रिस्प करके, सेक लेते हैं इसे।